गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज़ फूड स्पॉयलेज। ठीक है, हम लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो उसमें हमने स्टडी किया था कि डिजीज स्प्रेड होती हैं किसकी हेल्प से होती हैं, वेट एयर की हेल्प से, वाटर की हेल्प से, ठीक है, फूड की हेल्प से और वैक्टर की हेल्प से, यानी किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से क्या हो सकते हैं डिजीज ट्रांसफ़र हो सकती हैं फ्रॉम अ हेल्दी पर्सन टू एन इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, सॉरी इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्थी पर्सन। तो नेक्स्ट देखो फूड स्पॉयलेज। नेक्स्ट था कि हमारे हार्मफुल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम स्टडी कर रहे थे, तो कि जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे क्या कर देते हैं, फूड को स्पॉइल कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं फूड को। देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम सच एज बैक्टीरिया एंड फंगी ग्रो ओन फूड आइटम्स की, माइक्रो ऑर्गेनिजम जैसे कि बैक्टीरिया है, फंगी है, वो कहाँ ग्रो करते हैं, फूड आइटम्स के ऊपर। कहाँ ग्रो करते हैं आपके फूड आइटम्स के ऊपर ग्रो करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, जिस फूड आइटम के अंदर क्या होता है, मॉइस्चर होता है। ठीक है, और क्या प्रोड्यूस कर देते हैं वहाँ पे, टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस कर देते हैं, दिस मेक द फूड पॉइजनस, और फूड आपका क्या बन जाता है, जहरीला, मतलब एज ए टॉक्सिक की तरह एक्ट करता है, पॉइजन क्या होता है, जहर। ठीक है, ईटिंग सच फूड आइटम्स कैन लीड टू फूड पॉइजनिंग, के आपके आपके अंदर क्या हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है, विच कैन हैव डिस्ट्रेस अफेक्ट्स, जिसके क्या होते हैं, बिल्कुल बहुत बुरे इफेक्ट्स होते हैं आपके बॉडी पे, एडवर्स इफेक्ट होते हैं। रो फूड आइटम्स, अनवॉश्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, मीट, चिकन एंड मिल्क में ऑल्सो कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर हार्मफुल टू ह्यूमंस, कि अगर आप फूड को मतलब फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह अगर बिना वॉश किए उनको यूज़ करते तो उसमें भी क्या होते हैं, आपके बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लगे होते हैं। ठीक है, जो आपके लिए क्या होते हैं, बिल्कुल हार्मफुल। ठीक है, नेक्स्ट अभी आपका फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन मीन्स कि इन्होंने तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने तो उसको फूड्स को स्पॉयल कर दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ मेथड्स स्टडी करने पड़ेंगे आपको, किसके लिए, फूड प्रिजर्वेशन के लिए, क्या था आप, कि आप फूड को प्रिजर्व करके रख सको, यानी उसको सुरक्षित रख सको। ठीक है, उसको ख़राब होने से आप बचा सको। ठीक है, तो देखो इसके अंदर द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग फूड फ्रॉम बींग स्पॉयल्ड बाई फॉलोइंग वेरियस टेक्निक्स इज नोन एज प्रिजर्वेशन, कि आप क्या करो, अगर द की प्रोसेस होती है किसको, फूड को प्रिजर्व करने की, कि उसको ख़राब ना किया जा सके। ठीक है, कौन कौन सी टेक्निक्स से, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, वो हमने चेस स्टडी करेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेशन। इट हेल्प्स टू स्टोर फूड फॉर अ लॉन्गर टाइम, की हेल्प करता है कि आप फूड को क्या कर सको, लंबे टाइम तक उसको स्टोर करके रख सको। ठीक है, ड्यूरेशन क्या होता है, टाइम, रिटेन्स द कलर, फ्लेवर, टेक्सचर एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू, तो इससे क्या हो जाता है, उसका कलर वैसे का वैसा रहता है। ठीक है, फ्लेवर उसका चेंज नहीं होता, उसका जो टेस्ट है वो चेंज नहीं होता, टेक्सचर यानी जैसे दिखने में वो वैसा ही रहेगा। ठीक है, और जो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू है, जो आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, वो सेम रहेंगे अगर हम उसको प्रिजर्व करके रखें। ठीक है, एंड स्टॉप्स और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स इन फूड, और उसमें क्या नहीं होगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, फूड के अंदर नेक्स्ट मेथड टू प्रिजर्व फूड, कि कौन कौन से मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, फूड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट आपका सन ड्राइंग, कि हम क्या कर सकते हैं, धूप में सुखा सकते हैं। तो देखो किस किस चीज़ को हम कैसे कैसे इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ वन ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड, के बहुत पुराना मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है ये हमारा, किसके लिए, कि हम प्रिजर्व फूड को प्रिजर्व करने के लिए। माइक्रोब्स सच एज बैक्टीरिया एंड फंगी नीड्स मॉइस्चर टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई, कि आपके ये बैक्टीरियाज वगैरह है ये कहाँ रहते हैं, ऑलमोस्ट मॉइस्चर के अंदर आते हैं। मॉइस्चर क्या होता है, कि जिस फूड आइटम में ज़्यादा वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो उन फूड आइटम्स के अंदर क्या रहते हैं, ज़्यादातर ये एक्ट करते हैं, तो इसलिए सो द मॉइस्चर कंटेंट इन द फूड इज रिमूव्ड बाय ड्राइंग इन द सन, कि अगर आप उस फूड आइटम को पहले ले क्या कर दो, ड्राई कर दो सन में, सनलाइट में, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका जो फूड है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, यानी वहाँ से मॉइस्चर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो उसकी वजह से आपका फूड क्या हो जाएगा, फिर स्पॉयल होने से बच जाएगा। ठीक है, तो देखो इसके अंदर जैसे वीट, राइस, पल्सेस, जैसे वीट हम लेके आते हैं, ठीक है, वीट, तो उसको क्या कर लेना पहले चाहिए, पहले सन की लाइट में क्या कर लेना चाहिए, उसको ड्राई कर लेना चाहिए। ठीक है, पल्सेस वगैरह, राइस वगैरह, स्पाइसेस वगैरह, ठीक है,
आर क्लीन एंड ड्राइड इन सन बिफोर स्टोरिंग। कि उनको कहीं भी मतलब रखने से पहले, उनको स्टोर करने से पहले हमें क्या कर लेना चाहिए, इनको ड्राई कर लेना चाहिए, ठीक है। ड्राइंग आल्सो रिड्यूसेस द वेट एंड सो फूड कैन बी कैरिड इजीली। कि अगर एक हैवी, अगर आपका मॉइस्चर ज़्यादा है तो क्या रहेगा, आपका फूड हैवी रहेगा तो उसको कैरी करना ईजी नहीं है, लेकिन उसको ड्राई कर लेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, जो वाटर था उसके अंदर वो इवेपोरेट हो जाएगा और आपका फूड क्या बन जाएगा, लाइट इन वेट, तो उसको हम इजीली कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें हमेशा कैसे क्या करना चाहिए, फूड को ड्राई करके ही यूज़ करना चाहिए। और आपने देखा होगा जैसे हम अचार वगैरह बनाते हैं, पिकल्स वगैरह बनाते हैं, तो उसको भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले सन ड्राइंग करते हैं, ठीक है, ताकि उसको हम क्या कर सके, स्टोर कर सके। अगर आप उसको ड्राई नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी ही उसके अंदर फंगस एंटर कर जाएगी, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ऐसे जो राइस वगैरह होते हैं हमारे घर पे, वीट होते हैं, अगर हम उसको क्या ना करें, बीच बीच में अगर हम उसको मतलब सनलाइट प्रोवाइड करते रहें तो वो क्या क्या चलेंगे, लंबे टाइम तक हम उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर लेकिन अगर हम उनको ड्राई वगैरह नहीं करेंगे, सनलाइट वगैरह नहीं यूज़ दिखाएंगे उनको, तो क्या हो जाता है, फिर वो जल्दी ही मतलब आपका फूड सारा का सारा स्पॉइल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम जैसे चिप्स वगैरह बनते हैं, जो ये तो ये भी क्या होते हैं, जो इनके अंदर पैकेट्स के अंदर स्टोर होते हैं, तो उनको क्या किया जाता है, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, उनको ड्राई कर लेना चाहिए, ठीक है। अगर आप उनको ड्राई नहीं करोगे तो वो क्या कर सकते हो, और फिर बहुत कम टाइम के लिए ही स्टोर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हीटिंग, कि हीटिंग से भी हम क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं फूड को। मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गेट किल्ड एट हाई टेम्परेचर। कि अगर आप उसको बॉयल करोगे तो बॉयलिंग से, हीटिंग से क्या हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है फूड का, ठीक है। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके जब भी हीटिंग प्रोवाइड करते हो तो क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, ठीक है। दैट इज़ वाई मिल्क एंड वाटर आर हीटेड बिफोर कंजप्शन। इसलिए हम वाटर को भी कई बार क्या करके पीते हैं, बॉयल करके पीते हैं, ठीक है, उसमें से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। ऐसे ही सेम हमें मिल्क को भी क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है कंजप्शन से पहले, ठीक है। अगर आप उसको यूज़ मतलब यूज़ करने से, कई बार क्या होता है, हम मिल्क को रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हमें रेफ्रिजरेटर की जगह अगर उसको बॉयल करके रखते हैं तब भी वो क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मिल्क कैन बी प्रिजर्व्ड बाय पार्शियल स्टेरिलाइजेशन वेयर इट इज़ हीटेड एट 135 डिग्री सेल्सियस फॉर ए फ्यू सेकेंड्स एंड देन स्टोर्ड इन अ स्टेराइल कंटेनर, ठीक है। कि मिल्क को हम क्या करते हैं, एक ऐसे कंटेनर में सेव मतलब पहले उसको क्या करते हैं, हम उसको प्रिजर्व करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको पार्शियल स्टेरिलाइजेशन करते हैं, यानी पहले तो उसको हम क्या करते हैं, 135 डिग्री पे उसको हीट कर देते हैं, बॉयल कर देते हैं, ठीक है। तो बॉयल करने के बाद उसको हम एकदम से कहाँ रख देते हैं, फिर मतलब रेफ्रिजरेटर के अंदर, ऐसे कंटेनर के अंदर रख देते हैं कि जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ना हो, ठीक है। नेक्स्ट अभी हमारा फ्रीजिंग। फ्रीजिंग एक मतलब ऐसा ही हमारा मेथड है फूड को प्रिजर्व करने के लिए। तो वेरी लो टेम्परेचर्स रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है। कि अगर आप टेम्परेचर को कम कर दो तो उससे भी क्या हो जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप पे ग्रो नहीं हो पाते, ठीक है। रेफ्रिजरेटर मेंटेन्स अ टेम्परेचर ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर आपका 5 डिग्री सेल्सियस तक रह जाता है, बिल्कुल लो टेम्परेचर हो जाता है, तो उससे क्या हो जाता है, माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं हो पाती, ठीक है। डीप फ्रीजेज मेंटेन्स टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस, यानी बिल्कुल ही आप फ्रीजर के अंदर रख दो, ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है, बिल्कुल -18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है। तो उससे आप क्या कर सकते हो, लॉन्ग टाइम के लिए आप फूड को स्टोर कर सकते हो। बट वंस द फूड इज टेकन आउट द माइक्रोब्स बिगेन्स टू ग्रो एंड कैन स्पॉइल द फूड। कि अगर आप उसको बीच में बाहर निकाल दोगे, ठीक है, बाहर निकालते या तो उसको डायरेक्ट कंज्यूम कर लो, ठीक है, उसको यूज़ कर लो। अगर आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो और आपने उसको बाहर निकाल दिया तब वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ठीक है, स्पॉइल हो जाएगा आपका फूड। नेक्स्ट अभी एडिंग सॉल्ट। कि अगर आप फूड के अंदर क्या ऐड कर दो, सॉल्ट ऐड कर दो, तो उससे भी आपका फूड स्पॉइल होने से बच जाएगा, ठीक है। तो देखो, दिस मेथड इज़ यूज टू प्रिजर्व मीट, फिश, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे आप पिकल्स वगैरह डालते हो, अचार वगैरह बनाते हो, तो उसमें क्या ऐड किए जाते हैं, सोल्ट ऐड किया जाता है ताकि वो आपका ख़राब ना हो, ठीक है। ऐसे चिप्स वगैरह में भी क्या ऐड किया जाता है, सॉल्ट। सोल्ट रिमूव्स द मॉइस्चर फ्रॉम फूड, ठीक है। कि ये जैसे फिश वगैरह, मीट वगैरह है, इससे क्या कर देता है वो, मतलब वाटर को रिमूव कर देता है, तो उससे क्या हो जाता है, फिर आपका
स्पॉइल होने से बच जाता है फूड। ठीक है, नेक्स्ट है एडिंग शुगर की। अगर हम शुगर्स ऐड कर दें फूड के अंदर तो भी क्या हो जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो देखो जैम्स जेलीज एंड फ्रूट स्क्वैशेस आर स्टोर्ड बाय दिस मेथड। ठीक है, जैम्स वगैरह जेली वगैरह अगर आपको, या फिर फ्रूट जूस वगैरह अगर आपको क्या करना है, स्टोर करके रखना है, ठीक है, तो उसके अंदर हम क्या ऐड कर सकते हैं, शुगर्स। ठीक है, तो इससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो एडिंग ऑयल एंड विनेगर। ठीक है, कि ऑयल ऐड करो या फिर विनेगर ऐड करो, तो आपने देखा होगा जो हम अचार वगैरह बनाते हैं तो उसमें क्या ऐड कर देते हैं, ऑयल ऐड कर देते हैं और विनेगर भी ऐड करते हैं। क्या होता है विनेगर, सिरका होता है ना जो अचार बनाते टाइम हम डालते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो इसे हम जैसे पिकल्स वगैरह, फ्रूट, फिश एंड जो मीट वगैरह, हम इसे क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पाश्चुराइजेशन। इंपॉर्टेंट है भाई हमारी पाश्चुराइजेशन। देखो पाश्चुराइजेशन क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, दिस मेथड इज़ मेनली यूज टू प्रिजर्व मिल्क। ठीक है, मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं पाश्चुराइजेशन। जो पैकेट वाला मिल्क आता है ना, तो इसको हम प्रिजर्व करते हैं इस मेथड से। इट इज़ फर्स्ट हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर अ फ्यू सेकेंड एंड देन इमिडिएटली कूल टू 10 डिग्री सेल्सियस। कि हम क्या करते हैं इसमें, एक बार तो मिल्क को हीट करते हैं, ठीक है, उसको बॉयल करते हैं कितने टेम्परेचर पे, 70 डिग्री पे। ठीक है, फिर सडनली इमिडिएटली अचानक से फिर उसको साथ ही साथ हम क्या कर देते हैं, उसको कूल कर देते हैं 10 डिग्री टेम्परेचर पे, यानी बिल्कुल रेफ्रिजरेटर के अंदर रख देते हैं उसको, फ्रिज के अंदर। ठीक है, तो एक बार हम क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे देन कूल करेंगे, एक बार हीट करेंगे देन उसको कूल करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, बिल्कुल दिस डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो ही नहीं पाएगी इससे। बिकॉज हमने अभी अभी स्टडी किया था ऊपर कि अगर ज़्यादा हीट कर दे तो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं, अगर बिल्कुल ही हम लो टेम्परेचर कर दे तब भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर पाते, उनको भी नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, काफ़ी देर तक हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं। ये आपका डिस्कवर किया था भाई हमें, हमारे लुईस पाश्चर ने। ठीक है, लुईस पाश्चर क्या थे, हमारे एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने इसको डिस्कवर किया, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पाश्चुराइजेशन। उनके नेम के ऊपर ही इसका नेम दिया गया, पाश्चुराइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है भाई हमारा कैनिंग। ऐसे होता भाई मिल्क पाश्चुराइजेशन, एक प्लांट है, इसी के अंदर एक बार उसको हीट कर दिया जाता है, एक बार उसको कूल कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो कैनिंग। कैनिंग से क्या होता है, आफ्टर हीटिंग फूड इज स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर टू कीप अवे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कैनिंग इस टाइप से हम बॉक्सेज ऐसे ही रखते हैं एयर टाइट कंटेनर, ताकि उनके अंदर क्या ना जाए, मॉइस्चर ना जा सके और हमारा फूड है वो जो स्पॉयल ना हो। ठीक है, नेक्स्ट यूजिंग केमिकल प्रिजर्वेशन। कई बार हम क्या करते हैं, फूड को प्रिजर्व करने के लिए केमिकल्स का यूज करते हैं। तो देखो केमिकल सच एज सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटा बाइसल्फाइट। ठीक है, ये क्या करते हैं, ग्रोथ प्रिवेंट करते हैं, ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स की रोक देते हैं उसको, माइक्रोब्स की ग्रोथ को। ठीक है, एंड ऑफन यूज टू स्टोर जैम्स जेलीज कैचअप्स एंड फ्रूट जूसेस। ठीक है, उनको स्टोर करने के लिए किसका यूज होता है, इन सब का यूज होता है। ओके,